हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जी हाँ गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम GTA San Andreas एंड्रॉइड के अंदर फ्रैंकलिन का हाउस एड करने वाले हैं। और वो किस तरीके से करने वाले हैं, वो जो पूरा ट्यूटोरियल है आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा आपको काफ़ी चीज़ें भी करनी होगी, क्योंकि अगर हम जो है GTA San Andreas के अंदर कोई हाउस को कस्टमाइज कर रहे हैं तो उसके लिए अपन को जो है थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस ये वीडियो पूरी देख लेनी है एक बार। वीडियो पूरी देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा दैट किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये जो हाउस है ये लगने वाला है आपको। और सबसे अच्छी बात ये है दैट आपका जो प्राइमरी हाउस होता है GTA San Andreas के अंदर, उसी के पास में ही आपको जो है फ्रैंकलिन का हाउस इम्पोर्टेड मिल जाएगा। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रिश के अल्द्यांश को, क्योंकि उन्होंने ये वाला जो फ्रैंकलिन का हाउस है वो उन्होंने अपलोड किया था अपने चैनल पे और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगा। दैट्स वाई कि मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स को भी ये चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और बहुत ही बढ़िया मॉडपैक्स क्रिएट करता है यार, वो एक रियल मॉडल है जो कि जिनको मैं फॉलो करता आया हूँ काफ़ी टाइम से और काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीखी भी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसके अलावा यहाँ पे इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए दैट किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और किस तरीके से आप इसको विजिट कर सकते हो, किस लोकेशन में आपको जाना होगा इसको विजिट करने के लिए। तो वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, तो आपको इसलिए वीडियो पूरी देखनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन की ओर लेके चलूँगा और आपको इंस्टॉलेशन में बता दूंगा दैट क्या क्या चीज़ें आपको करनी रहेगी, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट गेम प्ले में चलेंगे, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद में। सो अभी के लिए हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा मैं, इसलिए मैं छोटा जितना हो सकता है उतनी वीडियो को छोटी ले जा रहा हूँ, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन की ओर चलते हैं। इंस्टॉलेशन में आने के बाद एज यू कैन सी दैट आपको फाइल यहाँ पे मिल जाएगी फ्रैंकलिन हाउस के नाम से। 12 MB की फाइल है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। पासवर्ड यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, पासवर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डालने के बाद ओके कर दो, एक्सट्रैक्ट हेयर हो जाएगा। फोल्डर आपको मिलेगा, इस फोल्डर को ओपन करो। फोल्डर ओपन करने के बाद में आपको दो फोल्डर मिलेंगे जो कि है रिप्लेस DFF और सेकेंड है टेक्सचर GTA3.txt। अब इन दोनों को आपको जो है GTA IMG और TXT टूल के अंदर इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो उनकी जो इंस्टॉलेशन है उनको आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा इंस्टॉलेशन करके, तो वहाँ से आपको देख लेना है, क्योंकि आपको पता है दैट अगर इन दोनों के इंस्टॉलेशन मैंने इस वीडियो में बताए तो मेरे को आ सकता है एड सुटेबिलिटी का प्रॉब्लम, क्योंकि चैनल मोनेटाइज है, वीडियो भी ऑब्वियसली मोनेटाइज होती है, तो उस सिचुएशन में एड सुटेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने इन दोनों के इंस्टॉलेशन वीडियो में नहीं दिखाए है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस आपको जाकर के डिस्क्रिप्शन में इंस्टॉलेशन पार्ट देख लेना है और उसमें से आपको डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप अपना गेम ओपन करोगे, सो गाइस एज यू कैन सी दैट आपका जो फ्रैंकलिन का जो हाउस है वो आपको इस जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपका आपका हाउस होता है उसके पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का हाउस जो है दिखने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आप एंटर नहीं कर सकते, ये चीज़ मेरे को इसका डीमेरिट लगा है, इसके अंदर एंटर क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया इस चीज़ को जो कि पूरा फ्रैंकलिन का हाउस लग रहा है और एक अनबिलीवेबल यहाँ पे फीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, ये GTA 5 का मोड पैक मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डाउनलोड करना है GTA 5 का ये वाला मोड पैक तो आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए वाला जो फ्रैंकलिन का हाउस है ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल लग रहा है। बस एक चीज़ मुझे यहाँ पे डीमेरिट लगी है, दैट इज़ कि आप इसमें एंटर नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ पूरी की पूरी फीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैराज के बाहर यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रैंकलिन के हाउस की पूरी फीलिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको कार भी जो है देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दें कि इंस्टॉल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको TXT और IMG टूल के इंस्टॉलेशन देख लेना है। अगर आपको पता है दैट किस तरीके से इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर लेना, कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो है वहाँ पे इंस्टॉलेशन को वॉच कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं ली क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई बड़ी वीडियो देखते नहीं है और लेंथी वीडियोस हो जाती है, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम भी आती है। सो आई होप कि छोटी वीडियो आपने देख ली होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके मोटिवेशन देना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो आई होप आपने पसंद किया इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू सो मच एंड बाय।